इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो में लेकर आया हूँ, गंगा एक्सप्रेसवे टू हरिद्वार। और गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए हरिद्वार तक ले जाया जाएगा। और आपका इस गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी से भी जोड़ा जाएगा और इस गंगा एक्सप्रेसवे को बलिया एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। और अभी जैसे हमारा बजट आया है 2021 का, और उसके अंदर वित्त मंत्री सीतारमन ने भी इस उत्तर प्रदेश के बनने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर बजट जारी किया है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम इस गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी से भी जोड़ा जाएगा, इस गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी तक लेके जाएगा और इसे हरिद्वार से भी कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे की जमीनी स्तर से कार्रवाई चल रही है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण लास्ट स्टेज पर चल रहा है और 2021 के 21 में ही इस एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया जाएगा। सूचना ये मिल रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रस्ताव को पास करने के लिए इसका यूपीडे से बोला है कि इसका जल्द से जल्द वाराणसी के लिए और हरिद्वार से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने यूपीडा को बोला है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसको हरिद्वार को जोड़ने का जो जिम्मा है यूपीडा, इसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा और जो रोड आ रहा है मेरठ टू हरिद्वार उसको कनेक्ट करके और वाराणसी को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये सूचना मिल रही है और जो उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी खुद ने बोला है और टीवी न्यूज़ पर भी इस वक्त ये चल रहा है। टीवी पे आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें भी ये गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार और आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और वाराणसी से जोड़ते हुए बताया जा रहा है कि हरिद्वार से ये जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये हरिद्वार वालों के लिए भी और प्रयागराज को नगरी से एक नगरी से दूसरी नगरी को जोड़ने के लिए ये उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना है कि हम इस गंगा एक्सप्रेसवे को इतना मजबूत उत्तर प्रदेश के अंदर बना देंगे कि सारे एक्सप्रेसवे को लेकर, चाहे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे से, ये सारे एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये हरिद्वार का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही इस पे भी सर्वे या इस पे भी वर्क शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब तक के लिए हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ अपडेट निकल कर आती है। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलेगी तुरंत हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे देगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत